टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उलटफेर का दौर जारी है। आज हुए मुकाबलों में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 की पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है, जहां पर आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे और साथ ही स्कॉटलैंड की धमाकेदार जीत के बाद अब पॉइंट टेबल में बड़ा भूचाल आ चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन बड़े बदलावों के बाद टीम इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है आज की पॉइंट टेबल में बदलाव से, और साथ ही अब कौन सी टीमें हैं जो यहाँ पर करने जा रही है सुपर 12 में अपनी जगह पक्की, बताएंगे तमाम जानकारी इस वीडियो में। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2022 में शुरुआत के दिन से ही उलटफेर जारी है, जहां पर नामीबिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को हराकर यहां पर उलटफेर कर दिया है। इसके बाद यहां पर दूसरे दिन भी एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। ऐसे में दोस्तों दो बड़े उलटफेर के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी पॉइंट टेबल बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हुए वार्म अप मुकाबलों की, जहाँ पर भी आज छह बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थी तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और अफ्रीका, तो वहीं पर पाकिस्तान और इंग्लैंड भी एक दूसरे के सामने थी। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में दो टीमों को बेहद ही बुरी हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। रोमांचक मुकाबले की हम बात करें तो वो इंडिया का रहा, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद ही शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारतीय टीम को 6 रनों से जीत मिली है। जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक जीते हुए मुकाबले को मोहम्मद शमी के आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया ने जीत लिया है। तो वहीं पर दोस्तों हम बात करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मुकाबले में, न्यूजीलैंड की टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही शर्मनाक रहा। पूरी न्यूजीलैंड की टीम 98 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और 11.2 ओवर में 9 विकेट से मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। जबकि दोस्तों हम बात करें तीसरे वार्म अप मुकाबले की, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच था, तो यहां पर भी पाकिस्तान को बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने 19 ओवर में 160 रन बनाए, जिसके जवाब में 14.4 ओवर में ही 163 रन बनाकर इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज कर ली। वहीं पर अब बात करते हैं सुपर 12 में पहुंचने के लिए हो रहे क्वालिफायर मुकाबले में, आज वेस्ट इंडीज के सामने स्कॉटलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन 42 रनों से जीत दर्ज की, जिसके चलते यहाँ पर वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज की टीम बेहद ही शर्मनाक परफॉर्मेंस कर रही है, अब इस हार के साथ ही इस टीम को क्वालिफाई करने के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जान लेते हैं पॉइंट टेबल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने भी आयरलैंड की टीम को हराकर यहाँ पर एक और बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो चले सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में मौजूद है नामीबिया, नीदरलैंड, यूएई और श्रीलंका। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर वन टीम की, तो यहाँ पर नामीबिया है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला जीता है। इनके फिलहाल 2 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी +2.750 है। जबकि दूसरे नंबर पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला जीता है, 2 अंक इनके भी है और नेट रन रेट +0.097 है। जबकि नंबर तीन की हम बात करें तो यहाँ पर यूएई की टीम मौजूद है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला आ रहा है और इनकी नेट रन रेट -0.097 है। जबकि नंबर चार पर श्रीलंका की टीम मौजूद है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, एक ही मुकाबला आ रहा है और इनकी नेट रन रेट -2.750 है। यानी कि इस ग्रुप में फिलहाल नामीबिया और नीदरलैंड बेहतर स्थिति में, जबकि यूएई और श्रीलंका के लिए आने वाले मुकाबले काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वहीं पर अब बात करते हैं ग्रुप बी की, तो दोस्तों फिलहाल ग्रुप बी में नंबर वन पर मौजूद है स्कॉटलैंड की टीम, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, तो उनके एक मैच में 2 अंक है और साथ ही नेट रन रेट +2.100 की है। जबकि दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम है, जिन्होंने आयरलैंड को हराया है, इनके एक मैच में 2 अंक हो चुके हैं, इनकी नेट रन रेट +1.550 है। जबकि दोस्तों आयरलैंड की टीम नंबर तीन पर है, जिनके एक ही मुकाबले में एक हार है, साथ ही इनकी नेट रन रेट -1.550 है। जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम नंबर चार पर मौजूद है, जिनके एक मुकाबले में एक हार है और नेट रन रेट -2.100 है। यानी कि दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़ ग्रुप बी में सबसे नीचे हैं, जबकि ग्रुप ए में यूएई और श्रीलंका सबसे नीचे हैं। वहीं पर भारतीय ग्रुप में आने वाली टीम की हम बात करें तो ग्रुप ए से नंबर दो की टीम और ग्रुप
बी में से नंबर वन की टीम फिलहाल टीम इंडिया के ग्रुप में आएगी। यानी कि फिलहाल देखा जाए तो इस समय तक भारतीय टीम के ग्रुप में आने वाली टीमें लग रही हैं नीदरलैंड और साथ ही साथ स्कॉटलैंड। तो दोस्तों क्या लगता है कौन सी दो टीमें टीम इंडिया के ग्रुप में पहुँचेगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।